हेलो सर, मेरा नाम सौम्या है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरा ही नहीं तमाम यूथ के अंदर ये कन्फ्यूज़न है कि हमें जीवन अपना कैसे लाइफ पार्टनर के साथ बिताना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से एक आइडियल लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? क्या हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से अपना पार्टनर चुनना चाहिए या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के हिसाब से? सर बड़ा ही पिछले सवाल से लेड ये सवाल, बैठिए सौम्या, बैठिए बैठिए। ये अच्छी चीज है कि जैसे ये फिल्टर निकालेंगे तो कुछ कुछ लोग इसमें से छट जाएंगे एकदम इंस्टेंटली। आई फील कि एक पार्टनर के लिए तीन चीजें बड़ी जरूरी होती है सामना, एंड दिस नीड नॉट बी द ओनली थ्री थिंग्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये तीन चीजें जरूरी हैं। एक, अलाइनमेंट ऑन मनी। अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसके पास उतना ही पैसा जितना मेरे पास है या उनकी फैमिली के पास उतना ही पैसा जितना मेरे पास है। अलाइनमेंट का मतलब हम पैसे को सिमिलर नजर से देखते हैं। दोनों के पास शायद पैसा नहीं है, ये दोनों के पास पैसा है, या एक के पास नहीं है, एक के पास नहीं है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान पैसे के पीछे भागे जा रहा है और एक इंसान को पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट विल ऑलवेज क्रिएट फ्रिक्शन। इट विल ट्रांसलेट इनटू कि आपका पर्सनल एम्बिशन क्या है। एक इंसान बोलेगा यार हमें हर जब कभी भी कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले शहर बदल दो, देश बदल दो। लेकिन एक इंसान होगा यार क्यों अपनी जिंदगी को बार बार इस तनाव से गुजरते हैं, एक जगह पे ठहर गए हैं, घर बना लिया है, यही रहते हैं, बच्चों का स्कूल ये बोल रहा। लेकिन दूसरा नहीं, 18 घंटे काम करना है, यही तो वक्त है काम करने का, ये फैमिली वैमिली बाद में आ जाएगी, लेकिन जब तक पैसा नहीं बनेगा ना तब तक क्या है। दूसरा बोलेगा यार थोड़ा कम काम करके मेरे साथ बच्चों के साथ वक्त बिता लो। तो पैसा बिकम्स अ वेरी फंडामेंटल रीजन फॉर आइदर अ डिस्कनेक्ट और अ कनेक्ट। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, फेथ। एंड फेथ डज नॉट मीन रिलीजन, इट मीन्स फेथ कि आप किस चीज में विश्वास करते हैं या किस पर विश्वास करते हैं या किस में विश्वास करते हैं और किस पे नहीं करते हैं, एंड क्या उसमें अलाइनमेंट है कि नहीं। तो बहुत लोग जैसे बोलते हैं यार इंटर रिलीजन मैरिज नहीं होनी चाहिए। आयत से इंटर रिलीजन मैरिज कॉम्प्लिकेशन इसीलिए क्रिएट करती है कि वो बिलीफ सिस्टम एक दूसरे को अटैक करता है। लेकिन अगर वो बिलीफ सिस्टम अटैक नहीं करता है, फर्ज करिए कि जैसे मैं एक हिंदू हूं लेकिन मैं उस हिंदू रिलीजन को रिलीजियसली फॉलो नहीं करता हूं, जिस हद तक मेरे माँ बाप करते हैं या मेरा कल्चर बोलता है, आई डोंट फॉलो इट दिस मच। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर रुचि एक डिवोट प्रैक्टिशनर होती ऑफ एनी फेथ एंड आई हैड अ प्रॉब्लम विद दैट, दैट बिकम्स अ रिफ्ट। बट इफ आई एम ओके कि घर में मंदिर है लेकिन मुझे मत फोर्स करना उस मंदिर में जाने के लिए, या अगर मेरा मन करेगा तो कभी हाथ जोड़ लूंगा लेकिन अगर नहीं किया तो प्लीज ऑफेंड मत होना, देन दैट इज परफेक्टली फाइन। इट डजंट हैव टू बी कि दोनों ही फॉलो कर रहे हैं या दोनों नहीं कर रहे हैं। इट नीड्स टू बी जस्ट एक्सेप्टेंस अराउंड फेथ, वेदर इट्स रिलीजन, वेदर इट्स अ बिलीफ सिस्टम और एनीथिंग। एंड थर्ड, इट इज अराउंड योर एम्बिशन इन लाइफ कि हम जिंदगी से चाहते क्या है या क्या करना चाहते हैं। वो डिस्कनेक्ट भी नहीं होना चाहिए। That doesn't mean कि both have to be ambitious. It again doesn't mean both do not have to be ambitious. It is about कि मुझे पता है कि तुम ambitious हो, मैं नहीं हूं, and I am okay with that and I am okay with that. Both have to be an acceptance, क्योंकि उसके चलते कैसे उनकी जिंदगी बदलेगी या क्या क्या decisions लेने पड़ेंगे, that will have to be completely reconciled. तो ये तीन चीजें, a common belief system या value system on money, on your faith and on your ambition. अगर ये तीन चीजें सॉर्टेड हैं, माय एक्सपीरियंस टेल्स मी बहुत सारी और अदर चीजें जो हमें लगता है ज्यादा जरूरी है ना, वो ऑटोमेटिकली टेक ओवर हो जाती है। योर फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी, ऑल ऑफ दीज स्टेम फ्रॉम द रिस्पेक्ट दैट यू हैव फॉर योर पार्टनर इन वॉट एवर वेज। तो एक टॉप लाइन कंक्लूजन ये होगा कि अगर आप किसी भी पार्टनर के साथ हैं एंड यू फील रिस्पेक्टेड, हर्ड एंड ऑल्सो फील दैट यू हैव ग्रोन एज अ पर्सन, दैट्स द प्लेस टू बी, दैट्स द प्लेस टू बी। बट इफ यू फील नॉट रिस्पेक्टेड कि वो तो बहुत एम्बिशियस है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन अगर आप कभी बोलती हैं कि मैं ना कनाडा जाना चाहती हूँ पढ़ने के लिए, एंड ही लाइक अगर तुम चले गए तो इस रिलेशनशिप का क्या होगा, लाइक यू वुड से दिस बट
How is it that if you are planning to go to Canada, you expect me to understand? As an example, that means there is not respect, mutual respect. There is not a feeling of being heard. आप बोल रहे हैं कि यार मुझे ऐसा feeling लग रहा है. नहीं नहीं नहीं, वो ना वो लगता है, होता है होता है. You will be okay. You're not being heard. You're not grown as a person. Yeah, you look at yourself and you almost feel कि जिस रिश्ते से मुझे लगता था मुझे खुशी मिलेगी या मैं कुछ सीखूंगी या मुझे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी या एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिलेगा, मुझे एग्जैक्टली ऑपोजिट फील होता है. आई एम ऑलवेज फीलिंग एंग्शियस, आई एम ऑलवेज फीलिंग स्ट्रेस्ड, आई एम ऑलवेज फीलिंग इस रिश्ते से मुझे मिल क्या रहा है, व्हाई एम आई इन दिस, बट आई ऑल्सो देन क्लिंग ऑन टू इट बिकॉज इट इज द नेचुरल टेंडेंसी. देन यू आर इन द रॉन्ग रिलेशनशिप एंड दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो दीज थ्री थिंग्स, कॉमन वैल्यू सिस्टम ऑन मनी, ऑन फेथ, ऑन एम्बिशन, ऑटोमेटिकली इन माई ओपिनियन लीडिंग टू physical intimacy and compatibility, emotional compatibility, and intellectual compatibility.